तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ ब्रेजा के 2023 मॉडल में, और भाई जो ये वाली गाड़ी है ना, ये 2022 के एंड में आई थी और अब 2024 का एंड आ चुका है, और आज तक ये गाड़ी ट्रेंड कर रही है। मतलब इतना कंपटीशन मार्केट में आ चुका है, लेकिन आज भी ये वाली जो गाड़ी है ना, फेड आउट नहीं हुई। अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो और अगर आपके पास ये वाली गाड़ी है, तो ये वाली वीडियो ना बड़ी रिलेटेबल सी रहेगी आपके लिए। जब भी हम गाड़ी लेते हैं ना, तो कलर चॉइस करते हैं हम उसके लुक्स के बिहाफ पर। वैसे तो देखो, कलर जो चीज़ है ना, गाड़ियाँ कलर एक सब्जेक्टिव है, किसी को कोई कलर पसंद हो सकता है, किसी को कोई। इन माय ओपिनियन, ब्रेजा के हिसाब से अगर आप ब्रेजा प्लान कर रहे हो, तो आपको कौन सा कलर ऑप्ट करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया रहता है। अभी इस गाड़ी को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट मुझे 1 साल 1.5 साल हो चुका है। ब्रेजा के जो डिज़ाइन एलिमेंट की बात है ना, ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ ब्रेजा के ऊपर है कि आपको इसका कलर ऑप्शन कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो भाई कलर ऑप्शन की बात की जाए, अगर आपका बजट है LXi मॉडल लेने का, तो भाई LXi में जो अपने पास ऑप्शंस आते हैं, उसमें सबसे बेस्ट कलर मैग्मा ग्रे है। पता है क्यों? क्योंकि जो इसमें एक क्लाइडिंग है ना, ये देखो, ये जो ब्लैक क्लाइडिंग है, जहाँ पर देखो पॉलिश नहीं लगी हुई, वहाँ फेड होगी। अब ये क्लाइडिंग सिर्फ पॉलिश लगाने के बाद ही अच्छी दिखती है। वैसे ये क्लाइडिंग बहुत ही भद्दी लगती है जब ये गाड़ी पुरानी हो जाती है। मुझे इस गाड़ी को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, और भाई मैं इस पर पॉलिश लगा के थक चुका हूँ, तब जाके ये ऐसे मैनेज रहती है। और अगर इस पर पॉलिश ना भी लगाओ, तो ये जो ग्रे कलर है, ब्लैक से ग्रे ही तो होती है, तो फिर भी ग्रे कलर को बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करता है जो इसका ये क्लाइडिंग वाला कलर है। तो भाई अगर आप LXi प्लान कर रहे हो, तो भाई सबसे बेस्ट कलर यही है मैग्मा ग्रे। लेकिन गाइस, अगर आपका बजट है VXi लेने का, तो भाई अब VXi में भी ब्लैक कलर आने लग गया है ब्रेजा के, तो भाई बिना सोचे समझे ब्लैक कलर ले लेना भाई, क्योंकि क्लाइडिंग भी ब्लैक होती है और कलर भी ब्लैक हुआ तो वो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को। वाइट गाड़ी और सिल्वर गाड़ी ब्रेजा, वो भाई मैनेज करने में ना आपकी हालत टाइट हो जाएगी। एक तो इसकी क्लाइडिंग इतनी चौड़ी है, ऊपर से भाई इस पर पॉलिश लगा के आप थक जाओगे। भाई अपनी गाड़ी का जो नाइट लुक है भाई, आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है। भाई जो ये डार्क कलर है ना भाई, ब्रेजा पे बहुत ही निकल के आता है, जो ग्रे कलर है। अगर आप VXi मॉडल ले रहे हो, तो भाई ब्लैक लेना। तो भाई कुछ लोग अब कहेंगे कि भाई हम आपकी क्यों सुने, हम तो भाई वाइट लेंगे या कोई भी कलर लेंगे। तो भाई मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि भाई कलर बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, इस पर ऑफेंड होने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि अपने भाइयों को बताना चाहिए कि सबसे बेस्ट कलर ब्रेजा का कौन सा रहेगा इन लॉन्ग टर्म मैनेज करने में भी और सारी चीज़ों में। तो भाई अगर आप VXi ZXi ले रहे हो, तो ब्लैक कलर लो, बढ़िया गाड़ी लगती है। और अगर आप भाई बेस मॉडल लेना चाहते हो जैसे ये है, तो आप ग्रे कलर ले सकते हो। मेरे टाइम पे भाई अगर ब्लैक का ऑप्शन VXi में होता ना, तो भाई मैं ब्लैक ब्रेजा ही लेता। VXi मैं LXi मॉडल उस टाइम पर लेता ही नहीं। ये देखो भाई, जहाँ देखो ब्रेजा ही ब्रेजा, देखो ब्रेजा ब्रेजा। देखो भाई, नो डाउट वाइट कलर भी बढ़िया लगता है ब्रेजा में, लेकिन भाई इसको मैनेज करने में ना हालत टाइट हो जाती है। अब इसकी आप क्लाइडिंग देखोगे ना, देखो क्लाइडिंग देख रहे हो, ये फेड हो चुकी है भाई। इस पर पॉलिश लगाते रहो तो बढ़िया है, नहीं तो भाई ये फिर क्लाइडिंग इसकी फेड हो जाएगी, क्या फ़ायदा भाई। और अपार्ट फ्रॉम कलर्स, मैंने इस गाड़ी के बारे में हर वो चीज़ डिटेल बताई है अपने चैनल पे। हमने स्टार्ट तो ऐसा लाइफस्टाइल व्लॉगिंग किया था, लेकिन इवेंचुअली चैनल जाता जा रहा है ऑटोमोबाइल्स व्लॉग्स की तरफ। तो भाई मैंने तो ब्रेजा के ऊपर एक सीरीज़ ही बना दी है, तो भाई मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, और आप मेरे को कमेंट करके ही बता सकते हो। नेक्स्ट आपके टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, तो प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ऐसे ही भाई को सपोर्ट कर देना ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।